ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਸਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਹੈਲੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਪਤੀ ਮੋਗਾ असीं रेगुलर गोल्ड कोस्ट दे विच आउंदे रहिंदे आ बहुत वधिया फूड आ ते बहुत ही वधिया इहनां दी सर्विस आ आई लव माई मोगा पेज जिहनूं कि असीं भी काफ़ी टाइम तो फॉलो करते पे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी लोकल हमें चीज़ें पता लगती हैं लोकेलिटी के बारे में पता चलता है काफ़ी अच्छा पेज है और इसके रेफरेंस से जो भी कोई गेस्ट आएगा हम उसको 10% डिस्काउंट ऑन फूड प्रोवाइड करेंगे थैंक यू पहला तो जी सारिया नूं प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों थोड़ा सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद तुसी साडियां वीडियोस नूं इन्ना प्यार दे रहे हैं इस करके अज एक होर वीडियो थोड़े नाल सांझी कर रहे हैं मोगा की किसी वधिया प्लेस की वीडियो ना बने रहो थानू पता लगू असी थानू कित्थे लैके चले हाँ दोस्तों जेकर थानू साडियां वीडियो वधिया लगदियां हुंदियां तां अपना यूट्यूब चैनल फेमस मोगा नूं जरूर सबसक्राइब करो ते फेसबुक पेज आई लव माई मोगा नूं जरूर लाइक ते शेयर करो दोस्तों अज थोड़े नाल रोड की वीडियो इस करके सांझी कर रहे हैं ताकि इस जगह का एड्रैस थानू चंगी तरह पता लग सके क्योंकि तुहाडे बहुत सानू मैसेज आउंदे आ किते मिस्टेक रह जांदी आ सो अज असीं सोचिया थोड़े नाल इस रोड की वीडियो सांझी करांगे ताकि थानू इत्थों दा एड्रैस पता करन दे विच कोई प्रॉब्लम ना आवे अपन गड्डी पार कर मैनू लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आऊगी किसी भी आँगी हो काफ़ी लोग तुम आए भी होंगे अपने रिव्यू भी दे सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स के जिस नाल सारे एक फीडबैक मिलता दोस्तों थानू कबूतर दिखाने सब तो पहले तो सामने आइए जी हम चलते हैं अपना अंदर सब तो पहला दोस्तों आपां फूड कोर्ट का एरिया उसनू विजिट करांगे ते कुछ फूड ट्राई करांगे हैलो सत श्री अकाल मैं कवलदीप फ्रॉम नैसले मोगा मैं अज पहला भी एक दो तीन बार इत्थे आपां विजिट की है गोल्ड कोस्ट क्लब मोगा मैनू इत्थों दा एनवायरमेंट बहुत वधिया लग्या मैं इस एनवायरमेंट नू वेख के मैं अज आपदे फैमिली साडा एक यार अनमोले ग्रुप है वो ग्रुप मैं सारा अपने एक फैमिली एक तरह की अपनी वो फैमिली आप अज इकट्ठे हो के सारे इतने अपने इंजॉय कर रहे हैं अपनी एक साडा एक बहुत वधिया साडा इस टाइम माहौल बनया होया इतने तो मैं होर इन्ना कहिंदा होया सारे धन्यवाद करदा कि इन्हां दा अरेंजमेंट बहुत वधिया चल रहा इतने बहुत वधिया इतने प्रपेयरिंग कोई खाण पीन की कोई चीज़ इसकी सर क्वालिटी बहुत वधिया लग रही मैनू तो मैं हो सकाँगा मैं अपने यार दोस्तों अगे भी उन्होंने मैं दसा भी इतने आण के आपदा फैमिली नाल इंजॉय करो तो वधिया आपदा आनंद लो इंजॉयमेंट करो धन्यवाद
हैलो फ्रेंड्स, आप कैसेडिला सैंडविच ऑर्डर किया ते नाल अपने मॉकटेल ऑरेंज फ्लेवर च ते आप ट्राई करते हम दसते हैं किदा दा लगे आपां नूं, क्योंकि मैं तो पहली बार ट्राई कर रहा। दोस्तों टेस्टी आ, बहुत स्वाद लग्या मैनू। जेड़ा कोई ज़्यादा स्पाइसी नहीं लाइक करता वो यह वधिया वा, ज़्यादा स्पाइसी नहीं गा। तो अपना मॉकटेल एक ऑर्डर किया वा। दोस्तों वैसे इन्हां दे इत्थे सारा कुछ ही प्रोवाइड आ, वेज नॉन वेज। हाँ जी, मैं सुखप्रीत सिंह ते मैं मोगे तो ही बिलोंग करना। तो साडा अज एक छोटा जिहा फंक्शन सीगा फैमिली का, बहुत वधिया इत्थों दा एनवायरमेंट हैगा ते बहुत ही वधिया हाइजीनिक फूड है। तो असीं पहलां भी काफ़ी बार आए हैं वैसे तो, ते अज साडा नैस्ले दा सीगा छोटा जिहा फंक्शन, सारे असी फंक्शन कर रहे थे। तो बहुत ही वधिया इत्थों दा हैगा, एनवायरमेंट भी वधिया है ते फूड भी वधिया, ते बाकी एनवायरमेंट तो वधिया हैगा ही है। हाँ जी, मैं परमजीत सिंह संधू जी मोगे तो हाँ। अज मैं पहली बार विजिट की इन्हों की, बहुत वधिया इन्हों का फूड है, बहुत वधिया इन्हों की सर्विस है। पहली बार आके बहुत चंगा लगा, उम्मीद करते हैं कि वार वार आया करांगे। बहुत वधिया माहौल इन्हों का, काफ़ी चंगा फूड भी दे रहे हैं, सर्विस भी बहुत वधिया। मेरा नाम मनजीत है, मैं 2 महीने हो गया गोल्ड गेस्ट जिम ज्वाइन किया नूं, और मैंने इतों का एनवायरमेंट बहुत वधिया लगता है। जो किसी को होर भी चाहिए इतने, बहुत सेफ एनवायरमेंट हैगा है, बहुत अच्छे ट्रेनर है, तुसी ज्वाइन कर सकते हो। मेरा नाम सरप्रीत सिंह है, मैं मोगे शहर तो हूँ। तो मैं इस जिम के काफ़ी टाइम तो आ रहा, तो ये जिम बहुत वधिया वा, इतने बहुत ज़्यादा वधिया ट्रेनर ने जो सानू ट्रेनिंग देंदे ने। सो मैं लगता कि यह जिम मोगे की बेस्ट जिम आ, तो एरिया ही पीसफुल आ। सो आई थिंक इट्स ए गुड एंड बहुत ज़्यादा जिहड़े यंगस्टर आ इत्थे आउंदे आ मॉर्निंग ईवनिंग। ते हेलो, सत श्री अकाल वीर जी, मैं गोल्ड कोस्ट क्लब हाउस मोगा का जिम ट्रेनर हाँ। इत्थे तुहानू हरेक फैसिलिटी मिल सकती है, मैं तुहानू कार्डियो करा सकदा, रॉबिस करा सकदा, बाकी स्ट्रेंथ भी करा सकदा, जो भी तुहानू कोई चीज़ हैगी इत्थे सारा कुछ मिलजू, डाइट चार्ट वगैरह सब कुछ मिलदा। इत्थे तुसीं एक वारी जिम ज्वाइनिंग करके देखो, तुहानू वधिया तो वधिया फिटनेस करके दिखाऊंगा। लेडीज़ एंड जेंट्स तो इकट्ठे दा कपल हैगा वा, तुसीं इंजॉय करो करो, तो नाले सानू डाइट चार्ट भी मिल सकदा मिलेगा, नाले एक्सरसाइज लाने तो बाद तुहानू वधिया तो वधिया डाइट दित्ती जाऊगी, तो नाले ट्रेनिंग दित्ती जाऊगी। प्लीज़ कम फॉर गोल्ड कोस्ट क्लब हाउस मोगा, थैंक यू। सबसे पहले जस्ट आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ दिनेश कुमार, आई एम वर्किंग ओवर हेयर फ्रॉम लास्ट 3 ईयर एज ए जनरल मैनेजर। सो सबसे पहले मैं आपको अपने क्लब की स्पेशलिटीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है। एक्चुअली हमारे पास 3-4 बैंक्वेट हॉल्स हैं, कुछ 20 पीपल से लेके 250 तक की गैदरिंग अकोमोडेट करते इनसाइड ऑफ क्लब। और उसके अलावा हमारे पास बैंक आउट बाहर ओपन लॉन की फैसिलिटी है 400-500 गैदरिंग की। और उसके अलावा डाइनिंग एरियाज हमारे पास रेस्टोरेंट है, बार है, कैफ़े है, मल्टी क्यूजिन जिसको हम बोल सकते हैं, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट्स है हमारे पास। और उसके अलावा अभी हमने रिसेंटली जस्ट इंट्रोड्यूस अवर मैक्सिकन स्पेशलिटीज़, जिसमें कि काफ़ी जैसे कि बोरितो हो गया, फिर आपका कैसेडिला हो गया, फिर हमने पिज़्ज़ा भी एक्चुअली रिसेंटली ही हमने इंट्रोड्यूस किया है। और जल्दी ही हम मोगा के जितने भी पब्लिक है मोगा की है ना, सबके लिए हम नई नई क्यूजिन्स का इंट्रोड्यूस करेंगे जल्दी से जल्दी। और नया मेन्यू अपग्रेडिंग वी आर गोइंग जस्ट वर्क ऑन दैट। और उसके अलावा इंडियन स्पेशलिटी तो हमारी है ही, जो भी हमारा क्लब है इसकी जो फूड की जो स्पेशलिटी है वो इसमें बेसिकली इंडियन ही है। तो जो हमारे प्रोफेशनल इंडियंस हैं, जो कि मैक्सिमम जितने भी हमारे किचन का स्टाफ है, सर्विस का स्टाफ है, मैक्सिमम हम जो वेल क्वालिफाइड जिसको बोल सकते हैं वो टीम है हमारे पास, जिन्होंने डिग्रीज वगैरह के रखी है होटल मैनेजमेंट में, डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं। तो हम प्रोफेशन में इसको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मोगा के निवासियों को देना चाहेंगे और फ्यूचर में भी देंगे, दे भी रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास है ना जैसे कि रूम्स, अकोमोडेट फैसिलिटी,
भी अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास 30-35 रूम्स अभी राइट नाउ अवेलेबल हैं। तो कभी अगर जैसे कि डेस्टिनेशन मैरिजेज का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो भी हमारे पास सारे इन हाउस फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, है ना। सारा रूम्स, फंक्शंस लॉन में भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं हमारे पास अभी, और जल्दी से जल्दी और भी हम नया नया कुछ करते रहेंगे, ताकि सबका अट्रैक्शन पॉइंट जैसे कि लास्ट 5 ईयर से है गोल्ड कोस्ट क्लब नंबर 1। सो हम आगे भी यही चाहेंगे कि अगले आने वाले सालों में भी हम नंबर 1 ही रहें, और ये सारा कुछ हो सकता है, होगा स्पोर्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ स्पोर्ट ऑफ गोल्ड मोगा के जितने भी पब्लिक है उनके प्यार से, भाव से। और हमारी भी यही रहेगा सब कुछ कि हम अपने बेस्ट टू बेस्ट हॉस्पिटैलिटी उनको इंट्रोड्यूस कराएं और नया से नया करते रहें। और इसके अलावा हम बच्चों के लिए हमने जस्ट एक जल्दी से किड्स जोन भी एक हम बना रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है, तो जल्दी ही वो भी एक इंट्रोड्यूस करेंगे। तो मेरे यही है कि मोगा के जितने भी पब्लिक है, जितने भी लोग हैं, सो बेस्ट विजिट अपने करते रहें गोल्ड कोस्ट, और इसको यूं ही नंबर 1 बना के रखें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।